लोग मुकोक सांग पहुंच चुके हैं। हेलो एवरीवन, व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज फिर से एक नया जर्नी पर निकला हूं। अभी टाइम देख सकते हैं, ये देख सकते हैं 6:10 हुआ है और ये गाड़ी में पूरा फिलअप करा लिया, फुल टैंकी दिखा रहा है। अभी घर से लगभग 45 किलोमीटर के आसपास आ चुका हूँ। अभी यहाँ से पहाड़ स्टार्ट हो चुका है, तो आप लोग वीडियो का थंबनेल देख के मालूम पड़ ही गया होगा हम लोग कहाँ जा रहे हैं आज। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं अभी हम लोग पहाड़ों में एंटर कर चुके हैं, धीरे धीरे करके ऊपर जा रहे हैं। और ये मुगोकसांग का रास्ता बहुत ही छोटा सा है, बहुत बड़ा वाला रास्ता नहीं है। जैसे कोहिमा गया था वहाँ पर 4 लाइन रास्ता था, ये नहीं, ये सिंगल लाइन रास्ता रोड है। तो अभी हम लोग आसाम में ही है, नागालैंड एंटर नहीं किया है, थोड़ी देर बाद नागालैंड एंटर करूँगा। तो गाइस अभी हम लोग नागालैंड एंटर कर चुका हूँ और हम लोग विदाउट पास आया था। तो यहाँ आकर हम लोगों ने वो पुलिस वालों से पूछा कि वो मुकोकसांग जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो वो लोग बोला कि नहीं यहाँ पर एंट्री करके जाओ। तो मैंने बोला गाड़ी का नंबर और ये अपना पर्सनल डिटेल्स दे के एंट्री करा लिया। कोई मुकोकसांग आने का सोच रहा तो विदाउट पास भी आ सकते हैं, बस वहाँ पर एंट्री करा के आना पड़ेगा और वो लोग थोड़ा सा सवाल पूछेगा आप लोगों से। तो आप लोग बना भी सकते हैं वो यहाँ ई पास, तो ज़्यादा नहीं है, 50 रुपीज़ का है और ये एक दिन पहले बनाना पड़ेगा वो पास। रास्ते का हालत देख सकते हैं, ये पूरा ख़राब है यहाँ से। और अभी हम लोग पहुँचेंगे सांगी। सांगी यहाँ से लगभग 21 किलोमीटर है, तो सांगी तक रास्ता ऐसा ही होने वाला है, थोड़ा सा ऐसा ख़राब। तो धीरे धीरे करके ऊपर चढ़ रहे हैं हम लोग। साइड में देख सकते हैं पूरा घने जंगल है, जंगल के बीच से जा रहे हैं हम लोग। और ये सामने का रोड देख सकते हैं कैसा है। पूरा बॉडी में ताश हो रहा है, ये पत्थर रास्ता देख सकते हैं कैसा। अभी इस टाइम बारिश हो रहा है ना, रास्ता पूरा खराब है। अभी हम लोग ट्रैफिक जाम में फंसा हुआ हूँ। सामने देख सकते हैं जो ट्रक खड़ा है उसका वो स्टार्ट नहीं हो रहा था, अभी स्टार्ट हुआ है। लगभग 5 मिनट के साथ रुका हूँ यहाँ पर, वो आएगा तो हम लोग उस तरफ जा पाएंगे। तो वही खड़ा हूँ यहाँ पर, देखते हैं कितना टाइम लगता है वो, मतलब सामने वाला जाम खाली होने में। देख सकते हैं सामने का जाम खत्म हो चुका है, हम लोग निकल चुके हैं फिर से अपने मंजिल की ओर खराब रास्तों में। देख सकते हैं सामने का रास्ता और ये देख सकते हैं साइड में धान का खेती हो रहा है। ये थोड़ा सा प्लेन एरिया है ऊपर, तो इसलिए यहाँ पर खेती हो रहा है। देख सकते हैं ये खेती लगा लिया पूरा। और ये रास्ते का हालत देख सकते हैं कैसा है, जा रहे हैं जैसे जैसे करके, जाना तो पड़ेगा। ये रास्ता पूरा खराब है, पूरा पानी होके रखा है रास्ते में। और ये भी देख सकते हैं सामने, यहाँ पर भी पूरा पानी होके रखा है, पूरा कीचड़ कीचड़। गाइस अभी घर से लगभग 85 किलोमीटर से आ चुका हूँ। अभी थोड़ा सा ब्ले देख लिया हूँ, अभी टाइम कितना हो रहा है देख लेता हूँ। देखते हैं 7:37 हुआ है, हम लोग घर से लगभग 7:30 बजे आए थे। अभी थोड़ा सा देख लिया है यहाँ पर और ये देख सकते हैं नज़ारा। एक ब्रिज के पास रुका हुआ हूँ, ये मेरा गाड़ी, गाड़ी का हालत देख सकते हैं पूरा कीचड़ ही कीचड़ हो गया। और वहीं स्क्रीन देख सकते हैं सामने का,
सामने देख सकते हैं, और ये नदी बह रहा है, ये छोटा सा नदी ये देख सकते हैं। अभी हम लोग सांकी पहुंच चुके हैं, ये देख सकते हैं ऊपर सांकी की तरफ जाता है। अभी सांकी से आगे जा रहा हूँ मुकटखान की तरफ। अभी सांकी में रुक के वो खाना पीना खा लिया पूरा, जितना से यहाँ पर ही है सांकी में। अभी आगे गाड़ी स्टार्ट करते हैं यहाँ से मुकटखान लगभग जीपीएस ने 45 किलोमीटर दिखा रहा है, तो देखते हैं कितना टाइम कितना बजे पहुँचते हैं। अभी यहाँ पर 8:50 हुआ है टाइम, लगभग 10:30 को पहुँच जाएंगे मुकटखान। तो गाइस ये देख सकते हैं पीछे एक छोटा सा वाटरफॉल है, यहाँ पर थोड़ा सा रुका हूँ फ़ोटो खींचने के लिए। वो फोटो आप लोगों को इंस्टाग्राम पर दिखने के लिए मिलेगा। अभी तक आप लोगों ने मेरा इंस्टाग्राम आईडी फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ फॉलो कर लीजिएगा। देख सकते हैं रास्ता कितना छोटा सा है, ऐसा लग रहा है किसी मतलब गांव में जा रहे हैं ऐसा टाइप लग रहा है। बहुत सालों के बाद वापस गांव में जा रहे हैं ऐसा टाइप लग रहा है ये रास्ता देखकर। लेकिन गाड़ी चलाने में मज़ा आ रहा है ये छोटे से रास्ते में, देख सकते हैं कैसा है। और यहाँ से व्यू भी बहुत ही अच्छा वाला आ रहा है सामने, और गाड़ी चला के भी अच्छा लग रहा है। सामने का जो पहाड़ देख रहे हैं वही है मुकटखान, और थोड़ा सा दूर है यहाँ से, लगभग 3-4 किलोमीटर है मुकटखान। तो गाइस अभी हम लोग मुकटखान पहुँच चुके हैं, अभी थोड़ा सा ब्रेक लिया हूँ, और ये सामने का व्यू देख सकते हैं आप लोग। इस तरफ देख सकते हैं वो वाला पहाड़, क्या मस्त दिख रहा है। वो रास्ता जा रहा है और देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, ये देख सकते हैं ये कितना खूबसूरत है। और ये भी देख सकते हैं। तो गाइस अभी मुकटखान से थोड़ा सा ऐसे ही गांव की तरफ आया था, अब ये खड़ा हूँ, ये देख सकते हैं नाम क्या है जापुमी, ये देख सकते हैं जापुमी विलेज। यहाँ पर साइड में गाड़ी लगाकर बस ऐसे ही सो रहा था थोड़ा देर, मतलब रिलैक्स कर रहा था, ज़्यादा ही थक सका हूँ। और ये यहाँ से नज़ारा देख सकते हैं थोड़ा सा। तो गाइस अभी हम लोग मुकटखान से ओखा की तरफ जा रहे हैं, मुकटखान पूरा घूम के ख़त्म हो गया है, अभी ओखा जाएंगे, ओखा में जाके थोड़ा सा घूमेंगे। टाइम भी हो गया है 4 बजने वाला है, तो चलिए ओखा जाते हैं। तो गाइस देख सकते हैं ये ओखा का रास्ता बहुत ही अच्छा है, तो इसलिए ओखा की तरफ जा रहे हैं हम लोग। अभी थोड़ा सा ब्रेक लिया हूँ फिर से, गाड़ी चला के पूरा थक चुका हूँ, और ये नज़ारा देख सकते हैं इस तरफ का, क्या ही ब्यूटीफुल प्लेस है। वो सामने वाला पहाड़ क्या चमक रहा है, क्या चमक रहा है, देखकर दिल खुश हो गया पूरा। ये देख सकते हैं सामने का रास्ता, अभी वहाँ से निकला है गाड़ी पूरा, ये देख सकते हैं गाड़ी का हालत। अभी हम लोग डोयांग ब्रिज क्रॉस कर चुका हूँ, सकते हैं रास्ते का हालत पूरा ही खराब हो गया था, यहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ था, अंधेरा होने वाला है, ऊपर पूरा बादल आ चुका है, और थोड़ा देर है अंधेरा होने में। अभी से बस चुका है बेटा, ओखा नहीं पहुँचा है हम लोग, और भी टाइम लगेगा शायद, यहाँ से आधा घंटा जैसा लगेगा मेरे हिसाब से। अंधेरा हो चुका है और पूरा फॉग भी आ गया, कलिया के घर पहुंच चुका था। घर पहुंचते वहते लगभग 11:30 बज चुका था। आज का वीडियो देखकर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, और अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए।